Good morning, children. Now I am going to teach next topic of chapter 3. तो हम लोग अपने next topic के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग आप previous जो आप लोग topic के बारे में पढ़े उनके बारे में बहुत कुछ बातें जो हम discuss कर लेते हैं. तो पहले हम लोग पढ़े थे सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम हम लोग पढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो अपने प्रीवियस वीडियो में. तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. तो रोड पर जितने भी सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं उन सभी सेफ्टी रूल्स का हमें फॉलो करना चाहिए. इसके लिए पहले हमने कुछ पॉइंट को देखते हैं कि हमें सेफ्टी ऑन द रोड पर क्या क्या सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं. चलिए फर्स्ट आपका है डू नॉट रन ऑन द रोड. फर्स्ट आपका है डू नॉट रन ऑन द रोड. सेकेंड है क्रॉस द रोड. एट द जेब्रा क्रॉसिंग यार. बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं. पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं डू नॉट रन ऑन द रोड. डू नॉट रन ऑन द रोड हमें रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जो रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाते हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, उस जेब्रा क्रॉसिंग को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. जो ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं उन सभी ट्रैफिक रूल्स का हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. Do not put your head hand out of moving bus. अगर आप लोग बस में बैठे हुए चलती हुई बस में बैठे हुए तो अपने हैंड को या हेड को बाहर नहीं निकालना चाहिए. इससे एक्सीडेंट हो सकती है. या put your hand set और कुछ बहुत सारे और पॉइंट है. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें फुटपाथ जो बनाए जाते हैं उस पर हमें चलना चाहिए. यानी कि बहुत सारे जो रूल्स बनाए जाते हैं उन सभी रूल्स का अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं. अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी रूल इन दी प्ले ग्राउंड. अगर हम प्ले ग्राउंड में है तो हमें कोई भी अगर स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए. कि हम विले वो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, हम वो गेम ले सकते हैं. तो इन सारी जो स्पोर्ट जो इक्विपमेंट है उसके लिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए. अगर वहां पर झूला लगाया तो अपने टर्न का वेट करना चाहिए कि अब मेरा टर्न आया है और जहां झूला लगाया हुआ है जहां स्विंग है वहां पर हमें उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए ना ही उसके पीछे खड़ा होना चाहिए. यानी कि बहुत सारे जो अगर हम प्ले ग्राउंड में है तो वहां पर भी बहुत सारे जो रूल्स बनाए जाते हैं उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. चलिए वहां उस पॉइंट को देखते हैं. बारे में बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं मैं ज्यादा जिक्र तो नहीं करूंगी. 3-4 जो पॉइंट्स हैं उसको लिख देती हूँ. वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर इन सारी सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट या इंजरी होने से हम बच सकते हैं. पहला पॉइंट है डू नॉट फाइट विथ एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
while playing. Second point है, do not push या pull another person while climbing it. Wait for your turn. Wait for your turn on the screen. Then एक और point लिख देते हैं. Follow the rules of the game while playing. यानी कि यहाँ बहुत सारे रूल्स के बहुत सारे पॉइंट्स जो है उन सभी पॉइंट्स के एक एक करके मैं बताती हूँ. डू नॉट फाइट विथ एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाइल प्लेइंग. Do not push or pull another person while climbing the swing. Wait for your turn on the swing and follow the rules of the game while playing. अगर आप जो भी गेम खेल रहे हैं उस गेम के बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उन सभी रूल्स को भी आप फॉलो करना चाहिए. अगर आप झूले झूलना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने टर्न का. और जो उस झूले के सामने में नहीं जाना चाहिए. डू नॉट स्टैंड, खड़े नहीं होना चाहिए. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट या जस्ट बिहाइंड द स्विंग. तो हमें इन सारे जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं उन सभी सेफ्टी रूल्स का हमें फॉलो करना चाहिए. अगर हम उन सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो इन द प्ले ग्राउंड में जो हम लोग प्ले ग्राउंड होते हैं उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट या इंजरीज होने से हम लोग बच सकते हैं. अब आपका लास्ट पॉइंट है सेफ्टी रूल्स इन द स्विमिंग पूल. तो अगर हम स्विमिंग पूल में है तो वहां पर भी बहुत सारी सेफ्टी है. स्विमिंग पूल पर अगर हम स्विमिंग करना चाहते हैं तो हमें स्विमिंग, अगर हमें नहीं आता है स्विमिंग करना तो हम अकेले स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए. अगर हम स्विमिंग पूल में है तो आपस में हमें यानी कि धक्का नहीं देना चाहिए थी. या ऐसे बहुत सारे जो रूल्स बनाए गए हैं उन सभी रूल्स को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट है वी मस्ट नॉट अलाउ इन दिस स्विमिंग इन दिस स्विमिंग पूल. डू नॉट स्विम अलोन इन दिस स्विमिंग पूल. अगर हमें स्विमिंग नहीं करने आती है तो हमें स्विमिंग पूल पर अकेले नहीं जाना चाहिए. डू नॉट पुश या पुल ईच अदर इन टू द वॉटर. अगर हम वॉटर में है तो एक दूसरे को हमें धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल. अगर आपको तैरने नहीं आता है तो आप उस एरिया में नहीं जाए जहां पर बहुत गढ़ा क्या हो, पानी हो, जल हो या वॉटर हो. We must use swimming tube, floaters, armbands while swimming. Swimming करते समय हम इन सभी वस्तुओं क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है एड. हमारा ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम. एड का मतलब होता है उपचार, यानी कि प्रथम उपचार. तो डॉक्टर के आने से पहले जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम लोग उपचार करते हैं किसी भी इंजर्ड पर्सन का, किसी भी घायल व्यक्ति का, हम लोग डॉक्टर के आने से पहले उसका
उसका इलाज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। इसका हम लोग इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर अराइव इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का ये आपका डेफिनेशन था। तो इसकी कॉमन इमरजेंसीज भी होते हैं जहां पर फर्स्ट एड की क्या होती है, जरूरत होती है, या माइनर बर्न हो गया, माइनर कट एंड वुड हो गए, नोज ब्लीडिंग हो गए, फ्रैक्चर हो गए, ये इलेक्ट्रिक शॉक हो गए, ये ऐसे जो माइनर सीए इमरजेंसीज है जिसमें हम लोग फर्स्ट एड का हमें जरूरत पड़ती है। तो इन सारी अगर जो इमरजेंसीज है उसमें हम लोग डॉक्टर के आने से पहले हम उस व्यक्ति को, अगर कोई इंजर्ड है उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो हमारे जो इंजर्ड जो पर्सन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है तब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को देख लीजिए। फर्स्ट एड का डेफिनेशन है, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो इसका क्या है कि अगर कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसे हम लोग तुरंत जो हम लोग उपचार करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले हम जो उपचार करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो जो फर्स्ट एड के बारे में पढ़ लिए, तो जो फर्स्ट एड हम लोग अब जो किसी भी इंजर्ड पर्सन का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर बहुत सारे थिंग्स की जरूरत होती है। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे थिंग्स रहते हैं, जैसे बैंडेज हो गए, कॉटन हो गए, डिटॉल हो गए, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन हो गए। तो वो सारे जो थिंग्स होते हैं वो बॉक्स में होते हैं जिससे हम उस इंजर्ड पर्सन को क्या कर सकते हैं, उससे मदद कर सकते हैं। तो जो सब रहा है फर्स्ट एड बॉक्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है, इसका क्या डिफिनेशन होता है? तो इसका ये डिफिनेशन होता है कि अ बॉक्स दैट थिंग्स रिक्वायर्ड टू अ बॉक्स दैट थिंग्स रिक्वायर्ड टू गिव फर्स्ट एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स। हमें जो फर्स्ट एड में हमें उस बॉक्स जितने भी उसमें जो थिंग्स होते हैं उस सभी थिंग्स को फर्स्ट एड में हम लोग क्या करते हैं, उसकी जरूरत होती है, उसी की मदद से हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हमें उसे ठीक कर सकते हैं अगर वो कंट्रोल में हमारे कंट्रोल में रहता है। तो चलिए इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स क्या है। क्या वो थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे फर्स्ट एड के लिए? तो इसमें उस बॉक्स में बहुत सारे थिंग्स होते हैं, देखते हैं, इट कंटेन्स कॉटन, बैंड,
एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन। इट कंटेन्स कॉटन बैंडेज एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन ईटीसी। ये बहुत सारे जो थीम्स होते हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स में रहते हैं, जो हम लोग फर्स्ट एड के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर इंजर्ड पर्सन हो तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से उस व्यक्ति का हम लोग क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। चलिए, ये आपका लास्ट वीडियो है और ये आपका जो चैप्टर हो गया वो खत्म हो चुका है। अब इससे जो भी आपका जो क्वेश्चन आंसर होंगे और जो नोट्स होंगे आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।